इसलिए कैपिटलिस्ट हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 99.9% लोग यही है, क्योंकि वो व्यक्ति पूंजीवादी है आज के जमाने में, वो व्यक्ति कैपिटलिस्ट है जो अपनी निजी संपत्ति को छोड़ना नहीं चाहता है। ये की परवासा है, वो कैपिटलिस्ट संपत्ति या जो निजी प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप्स का समझौता नहीं करता है, वही व्यक्ति कैपिटलिस्ट है, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट की पहचान है ना, अपनी संपत्ति को सिर्फ अपनी पीढ़ी को ही देगा, अपने उत्तराधिकारी को देगा, एक पीढ़ी से पीढ़ी एक संपत्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, उसका फायदा अन्य लोगों को कहाँ होता है ना। स्टेट आएगा तब काम करेगा, नेशनलाइजेशन का स्टेट नेशनलाइजेशन करेगा तो उसको पता होगा कि इसको गरीबी, इसको भूमि देनी चाहिए, इसको भूमि नहीं देनी चाहिए, इसकी भूमि को लेकर छीन कर गरीब लोगों को, मजदूरों को, निर्दोषों, जो कहीं ना कहीं जो वास्तविक रूप से सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जो गरीबी के जाल में द ट्रैप ऑफ पॉवर्टी में फंसे हुए लोग हैं, ऋणग्रस्ताओं में फंसे हुए किसान हैं, उनको वास्तविक भूमिहीन किसान हैं, उन किसानों उन मजदूरों को कहीं ना कहीं देने की आवश्यकता है, इसके लिए उनके जीवन में स्टेबिलिटी है। ये तो नेशनलाइजेशन करेगा तब समझ में आएगा ना। पहले निजी बैंक थे इंदिरा गांधी से पहले 1969 में 1980 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, 14 बैंकों 6 बैंकों का, तो बड़ी पहले निजी बैंक थी, प्राइवेट बैंक थी, तो कहीं ना कहीं किसानों को मजदूरों को ऋण नहीं देती थी प्राइवेट बैंक, प्राइवेट। तो इंदिरा गांधी ने कहा किसानों और भूमिहीन मजदूरों को, छोटे छोटे हस्तशिल्प उद्योगकारी हैं, उद्योग जो उद्योग चलाते हैं, हस्तशिल्प का जो उद्योग चलाते हैं, कुटीर उद्योग चलाते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, उनको लोन कौन देगा, उनको प्रमोट, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनकी ग्रोथ के लिए कौन पैसा खर्च कर, कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन उनको ऋण देगा। तो बैंकों का नेशनलाइजेशन करना बहुत जरूरी था, और ना केवल बैंकों का नेशनलाइजेशन किया इंदिरा गांधी जी ने, उसी समय 1970 के दशक में इंदिरा गांधी जी ने कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी लेंडिंग सेक्टर की स्थापना की, PSL प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग जैसी प्रोजेक्ट या स्कीम का निर्माण किया गया, और बैंकों से बाध्यकारी शर्तें की गई कि आपको किसानों को ऋण में प्राथमिकता देनी है, वंचित वर्ग को प्राथमिकता देनी है, मजदूरों को प्राथमिकता देनी है, जिसके पास इंडस्ट्री है, कुटीर उद्योग है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है, तो ऐसी कंडीशन उनको ऋण देने की आवश्यकता, तो ऐसी कंडीशंस जो है निर्धारित की गई, बैंकों पर आरोपित की गई, इसलिए तो समानता आएगी ना, तभी तो यह असमानता खत्म होगी ना, तभी तो गरीबी खत्म होगी ना, तभी तो ग्रोथ का फायदा सभी हिस्सों को होगा, सभी हिस्सों के रहने वाले लोगों को होगा। अभी तो ग्रोथ का फायदा ये क्लास को हो रहा है ना, वो क्लास ऐसी है, ये लोग अपने इंटरेस्ट से लोग ऐसा काम नहीं करना चाहते। इसमें से कुछ 0.1% हो जाएंगे जो अपनी संपत्ति निकलते हैं, जो अपनी संपत्ति को दान करते हैं, किसी के अंदर मानवता की भावना जागृत हो जाती है, तो वो उसे कहीं ना कहीं इन्हीं के इनका जो है इसी के जो है बोलते रहते हैं कि ये दान भी करते हैं हम लोग। मीडिया में इन्हीं लोगों का कब्जा है, इथिक्स के प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं कि आप गरीब हैं, लेकिन आप गरीब हैं तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन आपका बुढ़ापा, आपके माता पिता का जीवन जो गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। भाई आप बताइए, गरीबी का जिम्मेदार किसको बता दिया गया? उसी व्यक्ति को जो गरीब व्यक्ति है, उसी को जिम्मेदार बता दिया गया। माना कि वो एक्सीडेंट हो जाए उस व्यक्ति का, उसकी डेथ हो जाए, तो उसके परिवार का जिम्मेदार कौन है? अभी एक तरफ आपने बोला कि आप गरीब हैं, ठीक है आप गरीब हैं, ये आपकी कोई कमी नहीं है, ये आप संघर्ष कीजिए, आप अमीर बन जाएंगे, क्योंकि आपका बुढ़ापा, आपके माता पिता का जीवन जो है, आपका जीवन भविष्य जो है, वो कहीं ना कहीं गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। आप बताइए, उसी को रिस्पॉन्सिबल बता दिया गया और उसी व्यक्ति को गारंटी दे दी गई कि तू ही जिम्मेदार है, तू अपनी गरीब, अगर मर गया वो व्यक्ति तो फिर उसके परिवार के गरीबी का जिम्मेदार कौन है? उसको उसके बुढ़ापे, उसको उसके माता पिता जो बुढ़ापे हो जाएंगे, उनको कौन जो है उनकी सेवा करेगा? वो गरीब ही रहेगा। इस तरीके से एथिक्स के प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये इंट्रोड्यूस इसलिए किए जाते हैं कि स्कूल्स हो, यूनिवर्सिटीज हो, संस्थाओं में 99.9% लोग कैपिटलिस्ट लोग हैं। ये लोग अपनी निजी संपत्ति से समझौता करना नहीं चाहते हैं, ये अपना हिजज एजेंडा लोगों को नहीं बताना चाहते, इसलिए इन संस्थाओं पर लोगों का कब्जा है। इसलिए तो इस संस्था मजबूत है, इस संस्था को समझना इतना, इस सिस्टम और आइडियोलॉजी को समझना इतना आसान नहीं है।
ये व्यवस्था इतनी अच्छी है, लेकिन इसने इतना ये व्यवस्था कैपिटलिज्म अपने अस्तित्व को बचाने में जितनी ऊर्जा एनर्जी का प्रयोग करता है ना, उससे ज़्यादा दुगनी एनर्जी और उसका जो है उसको एनर्जी और ऊर्जा का उपयोग जो है इसको बर्बाद करने, इसको बदनाम करने में करता है। बड़े बड़े आप सिद्धांत को देखिए, इकोनॉमी को आप छोड़िए, एनवायरनमेंट को इस तरीके से एक्सप्लोइटेड किया, एनवायरनमेंट का इस तरीके से दोहन किया गया, संसाधनों को बड़े स्तर पर लूटा,